मॉर्निंग क्लास, ओपन योर मैथ्स नोटबुक। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की नोटबुक ओपन करेंगे। इसमें आज हम करेंगे एडिशन के सम्स। ओके, ओपन योर नोटबुक। ऊपर डालेंगे आप, फर्स्ट लाइन में लिखेंगे एडिशन सम्स। एडिशन सम्स लिखें इसमें आप, एडिशन सम्स। लिखिए इसमें, लिखिए आप फर्स्ट वाला सम 2, 3। फिर आप ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे और इसके यहां पर आप एक प्लस का साइन लगा देंगे। लिखिए, नेक्स्ट लिखेंगे आप नीचे इसके 1, 4। फिर आपको ऐसे प्लस का ये ऐसे बॉक्स बनाना है और यहाँ पर आपको ऐसे प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, करेक्ट। अब नेक्स्ट लिखें 4, इसके नीचे 4, फिर बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, यहाँ पर लिखना है 5, 1। फिर बॉक्स बनाना है और प्लस का साइन लगा देंगे आप। ओके, नेक्स्ट लाइन पर देखेंगे 3 और इसके नीचे लिख देंगे फिर से आप 3। फिर एक बॉक्स बनाएंगे और प्लस का साइन लगा देंगे। फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे और उसके नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे 2, 4। फिर इसके नीचे बॉक्स बनाएंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। कंप्लीट करें इतना सभी। आगे लिखें नेक्स्ट लाइन में 2, 2। फिर एक बॉक्स बनाएंगे प्लस का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आप 8, 1। बॉक्स बनाएंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखें 5, 4। फिर बॉक्स बनाएं और प्लस का साइन लगा दें। कंप्लीट करें इतना। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन पे 3, 1। बॉक्स बना देंगे ऐसे और प्लस का साइन लगा देंगे। फिर लिखें 4, 3। बॉक्स बनाएंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। नीचे लिखेंगे लास्ट 6, 1। बॉक्स बना देंगे और प्लस का साइन लगा देंगे। ओके, अब कुछ सम्स में आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ये आपको होमवर्क में करने हैं, ये आप खुद से करेंगे। इसमें लिख लें आप 2, 2। बॉक्स बनाएंगे, नेक्स्ट लिखेंगे 4, 3। प्लस का साइन लगा दें 5, 1।
अभी मैं आपको समझाऊंगी और ये आपको फिर अपने आप करने हैं, ठीक है। ये वाले मैं आपको करवाऊंगी, सी डब्ल्यू वाले होमवर्क वाले आप खुद से करेंगे। 9 1 प्लस का साइन 5 7 प्लस का साइन 6 3 प्लस का साइन। ओके, ये सम्स आपको होमवर्क में करने हैं अपने आप से। जल्दी से ये उतार लें सभी बच्चे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इनको आपको करना कैसे है, ठीक है। जल्दी से इतना कंप्लीट कर लें सभी। जल्दी उतारें इसको। ब्लैकबोर्ड ध्यान के सामने, सबसे पहले आपको ऊपर दी हुई है डिजिट 2, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐसे 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है। जितनी आपको डिजिट दी हुई है उतनी लाइन्स उसके सामने आपको ड्रॉ करनी है। ये है आपका 3 1 2 3। ओके, अब आपको क्या करना है, इनको सबको आपको काउंट करना है। कैसे, 1 2 3 4 5 कितने हो गए आपके, 5। तो आंसर आ गया हमारा 5। यहाँ पर हम लिख देंगे 5। ओके, कैसे करना है एक बार और देखिए। अब जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम 1 लाइन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर है 4, 1 2 3 4। अब आपको क्या करना है, इन सबको आपको काउंट करना है, 1 2 3 4 5 कितने हो गए, 5। तो यहाँ पर भी आप लिख देंगे 5। इसका आंसर आ गया आपका 5। नेक्स्ट है आपका 4 और नीचे भी आपका दिया हुआ है 4। तो यहाँ पर कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे, 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट है 4, 1 2 3 4। इन सबको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी हो गई, 8। तो आंसर आ गया हमारा 8। कंप्लीट करें इसको आप। फर्स्ट लाइन कंप्लीट करें सभी। अब नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, इसमें आपकी ऊपर दी हुई है डिजिट 5। 1 2 3 4 5 और ये है आपका 1। तो इन सबको हम काउंट करेंगे, 1, ध्यान से काउंट करना है, पेंसिल रखेंगे, 1 2 3 4 5 6। आपको बहुत ध्यान से काउंट करना है कि कोई लाइन आपकी छूट ना जाए, है ना। नेक्स्ट देखें, 3 और 3, 1 2 3, 1 2 3। अब इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसका आंसर आ गया हमारा 6। कंप्लीट करें। अब नेक्स्ट देखेंगे, 1 2, फिर 4 है, 1 2 3 4 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। इसका भी आ गया हमारा आंसर 6। कंप्लीट करें इसको आप जल्दी से। 2 लाइंस कंप्लीट करेंगे सभी बच्चे।
कर लिया इतना सभी ने। अब नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, ये देखिए इसमें आपके ऊपर डिजिट दी हुई है टू और नीचे भी टू, तो कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे, वन टू वन टू। अब इन सबको हम क्या करेंगे, काउंट, वन टू थ्री फोर, कितने हो गए, फोर। यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर इसका फोर। नेक्स्ट देखेंगे एट दिया हुआ है और वन दिया हुआ है, बहुत ध्यान से लाइन ड्रॉ करेंगे काउंट कर करके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, नीचे वन है वन। अब इन सबको हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो आंसर आ गया हमारा नाइन। ओके आगे देखें, नेक्स्ट वन टू थ्री फोर फाइव, नीचे दिया हुआ है फोर, वन टू थ्री फोर काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, इसका भी आंसर आ गया आपका नाइन। टच द लाइन करके लिखेंगे राइट नीटेंटली, साफ साफ करेंगे सभी अपना वर्क, सुंदर सुंदर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका दिया हुआ है थ्री और वन, वन टू थ्री और वन काउंट करें, वन टू थ्री फोर अपने आप करेंगे सभी बच्चे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, ठीक है। वन टू थ्री फोर, फिर थ्री दिया हुआ है, वन टू थ्री, अब क्या करेंगे इनको हम काउंट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, आंसर आ गया हमारा सेवन। ओके अब लास्ट वाला सम से आपका सिक्स और वन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और वन काउंट करें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, कितने हो गए टोटल, सेवन। ओके जैसे कि मेरे पास ये टू चौक है, देखो वन और टू, ये मेरे पास टू चौक है, अगर मैं इसमें टू और ऐड कर देती हूँ तो ये हमारी टोटल कितनी हो जाएंगी, वन टू थ्री फोर, कितनी हो गई, फोर। तो ऐसे ही आपके सम्स हैं, जो ऊपर वाली डिजिट है उसके साथ आपको लाइन ड्रॉ करनी है उसके सामने, और जो नीचे वाली डिजिट है उसके सामने भी आपको लाइन्स ड्रॉ करनी है, और वो जितनी टोटल हैं, टोटल जितनी लाइन्स होती हैं उनको हम काउंट करेंगे, और जो हमारा आंसर आएगा वो हमें इसके नीचे लिखना है, ठीक है। जैसे वन टू दिया हुआ है, फिर थ्री दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर टू लाइन्स ड्रॉ की, फिर थ्री दिया हुआ है तो हमने इसके सामने थ्री लाइन्स ड्रॉ की, फिर हमें इन सबको क्या करना है, काउंट, वन टू थ्री फोर फाइव, तो टोटल आ जाएगा हमारा फाइव आंसर। ओके ऐसे ही आपको यहाँ पर दिया हुआ है फाइव और वन, तो यहाँ पर हमने फाइव लाइन्स ड्रॉ करनी है और यहाँ पर हमने वन, और उसके बाद हम इन सबको काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टोटल आ जाएगा हमारा सिक्स। नेक्स्ट है आपका टू और टू, तो ऊपर भी टू लाइन्स ड्रॉ करेंगे नीचे भी, और उसके बाद इनको सबको हम काउंट कर लेंगे, वन टू थ्री फोर, कितना आ गया, फोर। ऐसे ही ये हमारा थ्री दिया हुआ है, वन टू थ्री लाइन ड्रॉ की, और नीचे वन दिया हुआ है तो हमने वन लाइन ड्रॉ की, तो वन टू थ्री फोर, तो हमारे टोटल कितनी लाइन्स हो गई, फोर। तो आंसर हमारा कितना आया, फोर। तो आपको एडिशन के सम समझ में आए सभी को, सभी बच्चे ऐसे ही जैसे मैंने आपको समझाए हैं, और जो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं वो सभी बच्चे अपने आप कंप्लीट करेंगे। ओके डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे सभी बच्चे इसकी। कंप्लीट योर वर्क, डू फास्ट, हैव यू फिनिश योर वर्क, ओके क्लास, बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ, कंप्लीट कर लें जिसका नहीं हुआ है।
ध्यान से करेंगे आप, काउंट कर करके लिखना है आपको। ओके क्लास, बाय।